आ? फिर से सूट? परसों लिए ना थी चार सूटा तुम? परसों कब जी, रमजान के टाइम पे ली थी चार सूटा। मेरे को और चार सूटा होना, देखो 50% डिस्काउंट पे सेल चल रहा। अरे बेगम, तुम्हारी ये फरमाइशा देख के मेरा दिल सुसाइड कर लेना बोल रहा। बेजार आ गया मैं तुम्हारे फरमाइशों से। सुसाइड करने से पहले दो तीन सूटा दिला दो भाई, इद्दत के टाइम पे क्या पहना मैं? अकल है जी तुम्हारे? हाँ, या मैं मरने की बात कर रहा तो तुम्हारे कपड़े पहनने का शौक उठा? ऐसा क्या शौक भाई नहीं कपड़े पहनने का? अब क्या कपड़े भी नहीं पहनना क्या जी? क्या कंजूस आदमी है जी तुम? अरे इसमें कंजूसी का क्या है जी, क्या है इसमें कंजूसी का बोलो मेरे को? दो सूटा दिलाने के वास्ते इतनी तकलीफ हो रही जी तुम्हारे को, वो भी सेल पे है बोले तो। सही में जी, बहुत छोटा दिल रहता तो मर्दों का। हाँ? मर्दों का दिल छोटा रहता? हाँ, मर्दों का दिल छोटा रहता। असल में औरतों का दिल छोटा रहता जी। हाँ, बीवी के दिल में सिर्फ शौहर के वास्ते जगह रहती, मगर मर्द के दिल में घर वाली, बाहर वाली, ऑफिस वाली, काम वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, आजू वाली, बाजू वाली, बड़ी साली, छोटी साली, इन सब के वास्ते जगा रहती। ये सब चीजों में चागे है जी तुम। हा? आज के जमाने के छिलकन है तुम। छिलकन से एक शेर याद आया, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। चूम कर उसकी हाथों को मेरी वफा को जोश आया। वाह, अरे चूम कर उसकी हाथों को मेरी वफा को जोश आया, उसके भाई ने देख लिया फिर हॉस्पिटल में होश आया। ज्यादा बातें करे ना, ये 5 किलो के हाथ से ऐसा रख के देती तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाना। ये फुसफुसे हाथों से मारने लगता, हवा के फुग्गे हो तुम। तुम अगर मेरी रपस में आए ना, हवा टाइट कर देती हूँ। बादी बादी बादी, फिलोत मिली हवा टाइट हो गई। क्या हुआ रे छोटा? मैं तो एक बत्ती पसंद आई बादी, मदर उन्ना नहीं तलते बोल ले। नहीं गुरे, मैं काला होता थे। कौन बोले रे तू काला है बोल के? कौन बोले तू काला है बोल के? अरे तेरा कलर पक्का कलर है, कंपनी का कलर है, तू काला नहीं है रे। अरे छोटन कहाँ गया रे, यही स्थान आ रहे तू? अरे छोटन मैं यही तू थी मैदान। चलो करंट भी आ गया, एक सेकंड के वास्ते डर गया ना रे तू, मिस्टर इंडिया बन गया बोल के। तू काला नहीं है रे, तू काला नहीं है। अरे भादी इतना ताला हूं दी मैं? अरे नहीं रे छोटन, तू काला नहीं है, तेरे भाईजान खाली मजाक कर रहे थे। तू कोयले के कलर का है। हाँ? तेरा कलर अब्बा पे गए, अब्बा काले है। नहीं फिर तू काला कैसा होता? हाँ अरे छोड़ दे रे, वो पुट्टी नहीं तो नहीं, तेरी फसली का जोड़ा वक्त आया जब देखो मिल जाता, तो टेंशन न को ले। अपन लोग 5-स्टार होटल में जाके डिनर करेंगे। इधर उधर से बात खाने पीने पे खर्चे पे देखो आ रही भाई। अरे छोटन के वास्ते जी, उसका मन बहलाने के लिए। तुम तुम्हारे दिल की बात छोटन के आड़ में रखो बोलो सने, जो भी है फेस टू फेस डिस्कस करो तुम मेरे साथ। बच्चों का क्या है भाई, दोस्तों के साथ चाय सुट्टा मारते कि दिल बहल जाता। भाई पैसों पे तब मरे क्या जी तुम? क्या होता बीवी पे खर्चा करे तो क्या होता, सबाविच मिलता ना। देखो गैर जरूरी फजूल खर्चा करना गुनाह है, और उसका हिसाब देना पड़ता ऊपर वाले को। हाँ तुम्हारी कमाई में बरकत मेरे नसीब से आती तो मेरे पे 4 पैसा खर्चा करने के लिए क्या करो रे तुम? मैं मानता हूँ भाई, रिस्क और दौलत औरत के नसीब से आती, मगर ये महंगाई के जमाने में एक औरत के नसीब से घर नहीं चलता, मैं दूसरी करके ला लेना सोच रहा हूँ। तुम्हारे को बहुत खुजली है जी दूसरी करने के लाने के वास्ते। अरे पहले मेली तो पहली उदाहरण दो दी। हा? मेला मेल तू पली हुई है बोलते, तुम दोनों था तुम दोनों तू पली हुई है। अरे तू क्या रे, सर्दियां शुरू है कि नहीं कि शादी करो शादी करो शादी करो बोल के पीछे पड़ गया क्या रे? परसों तो बहुत उछल रहा था, मैं जिंदगी में तुद भी बने तो था दी नहीं तर तू, मैं जिंदगी में तुद बन ना था रूम बोल के बोल रहा था ना रे, अब क्या हुआ रे, हवा निकल गई। अदी भाईदान मैं पलतू इंस्टाग्राम पे दलील देता, तादी तेरे बाद बीवी थे तदमो थे आदमी ना नतीब बदल जाता था, इसलिए मैं तादी तना था। अरे वो अच्छी बच्ची रही तो रे, तेरी बहन के जैसी रक्कस नहीं रही तो फटके हाथ में आ जाती, खिस अलग हो जाती, मत अलग हो जाती। मैं क्या तुम्हारी खिस अलग मत अलग की जी? तुम्हारी किस्मत तो पहले से फटीचर थी, तुम्हारे से शादी करने के बाद मेरी किस्मत भी खराब हो गई। ए, ये डिस्कशन अपन बाद में करेंगे, पहले तोते का क्या है देखेंगे रे।
तू जिंदगी में पहले कुछ बन रहे अपने कदमों पे ठहर, तू पहले दूसरों के सहारा लेके ठहरेगा तो गिर जाएगा जरूर। सुन रहा आदमी, खुददार रहना, मोहताज नहीं रहना किसी का। तेरे भाईजान के जैसा? हाँ, मेरे जैसा खुददार बन तू। पहले मेरी बात सुनते तुम। क्या? तेरे भाईजान के जैसा कतई नहीं बनना। ना इनो खुददार है, ना इनो मोहताज है, इनो खाली बकवास है। बाद में बात करेंगे, ठीक है? बस मैं तुम्हारे इंसल्ट कर दिया, तुम मेरे इंसल्ट कर दिए, फिटूस फिटूस। अरे दादी हेलते दी नलता लीते बत्तो थे तत्ता लाले ले तुम लोना, पहले मेला दे तो दी, मेला दे तो। तेरा कुछ भी नहीं होता छोटा, तेरी जुबान के जैसा तेरी किस्मत भी तोतली है। जहां से उम्र सारी दादी बादी मेली बेदती तल ले ले तुम दोले है मैं ताला हूं। इतकी बातें तुम मिले था थोतेला थुलुत तल ले। ए तू खामोश बैठ रहे छोटन। अजी 50% डिस्काउंट के सेल में तुम्हें को सूटा दिलाते नहीं दिलाते? नहीं, तुम्हारी इद्दत इतनी है मुंह पे नहीं ऐसा तल दिया होगा। ऐसा कैसा नहीं दिलाते? मैं सूटा लेके रहती हूँ। मैं नहीं दिलाता मतलब नहीं दिलाता बस। तुम्हारा दलित नहीं हो तू, बिल्कुल भी नहीं दले तुम्हारे लो इतने आते बोला तंत्रोल में लतो तू। आज की तारीख में मैं सूटा लेके रहती हूँ मतलब लेके रहती हूँ। कहीं कुछ जिद कर रहे मैं कद्दू कद्दू का सालन पको खाएंगे बोर। मैं नहीं पकाती हूँ, सोच दिलाए तो पकाती हूँ। बैदान बैदान दान धोना दी बैदान तित्ता भी तले तो बीवी ते दिला धोना ताई तू दित तले दी बादी हाँ? बैदान नहीं दिलाते बोल तो ताई तू दित तले पागल है तुम? हाँ वो पागल हूँ मैं, मेरे को ड्रेसेस होना मतलब होना, अभी रिजिद समझो क्या भी समझो। मैं क्या भी नहीं समझ रहा, एक्चुअली मैं समझना ही नहीं चाह रहा। ठीक है फिर, ठीक है तो ठीक है। मजाक बॉय क्या हुआ ब्रो? क्या राज भाई बहुत दिनों के बाद आया माशाल्लाह। क्या हुआ मां चांद किधर है तुम अगर दिख रहे नहीं कहीं भी? क्या हुआ? अरे रे 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 ये क्या हो गया, पूरा चमन उजड़ गया तुम्हारा। हाँ यारो क्या करेंगे, हेयर फॉल हो रहा, टेंशन अलग है उधारी। हाँ वो देखो दुनिया का गापा का बालों में क्या करना क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। अरे यारो वो तेल चल रहा ना यारो क्या नाम है वो यूज करो ना। अरे यारो मार्केट में बहुत तेल हो गया यारो, उसका ऐड देख देख के तो बहरान हो गया भाई। सुने ऑर्डर करे तो डुप्लीकेट ऑयल आ रहा, सुन रहे तुम? इसके वास्ते वो छोड़ दिया, वो अपने हैदराबाद का एक बहुत मशहूर ऑयल है जी, मैं देखा लिंगे वाला जहन से निकल गया। देखो नाम जहन पे जबान पे नहीं आ रहा। अरे तुम ये बोल रहे हैं क्या ब्रिंगराज? हाँ ब्रिंगराज, डॉक्टर सुधा खान का 100% हर्बल फॉर्मूले से बना सो है ये तेल। इसको लगाने से हेयर फॉल नहीं होता, डैंड्रफ खत्म हो जाता, वाइट बाला नहीं आते। अगर आपको वाइट बाला है तो वो भी खत्म हो जाते, और सबसे अच्छी चीज़ जो आपके बाला गिर गए वो वापस आते। इतना सब मालूम है तो यूज़ करो ना यारो फिर। आओ यारो मैं लिंगे लिंगे में हूँ, हो रहा नहीं कर रहे आप? लिंगे लिंगे में पूरी फसल ख़त्म हो जाती तुम्हारी। ये रख लो यूज़ करो, मैं दूसरा ले लेता हूँ वहाँ से। अरे नको भाई ठहरो पैसे ला रहा। अरे ठहरो एक मिनट, हलो और एक चीज़ लाया तुम्हारे वास्ते। मेरे वास्ते? हाँ क्या है भाई? ये ब्यूटी क्रीम लाया, ये चेहरे पे के धब्बे वब्बे जो है ना पूरे चले आते इससे। पकड़ो यारो ऐसे मार्केट में 10 क्रीम आएगा भाई गंगे बता कर रहे। अरे समझो रजाक भाई, सुनो मेरी बात, अच्छी चीज बता रहा हूँ तुम्हारे को ये। अरे भाई माँ वहाँ पे मेडिकल पे जाके 400 रुपए दिए उसे, एक से एक क्रीम देते, रात में लगाना सो जाना उठते की गोरे। क्या बात कर रहे, मैं ला रहा हूँ ठहरो पैसे। एक मिनट ठीक है, स्पेजरिक प्रोसेस। अच्छा तो ये क्रीम स्पेजरिक प्रोसेस से बनी सो है बोलो तो ट्राई करना पड़ता है एक बार। भाई ये कौन सा प्रोसेस है जी? भाई देखो स्पेजरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जड़ी बूटियों के अंदर से मिनरल्स निकालते हैं। स्पेजरिक प्रोसेस से अगर आप वो जड़ी बूटियों के अंदर से मिनरल निकाले तो 3 गुना मिनरल्स बाहर आते, अगर आप वही नॉर्मल प्रोसेस से करें तो 1 गुना ही जाते। इसके वास्ते स्पेजरिक प्रोसेस से जो दवा बनती उसका असर ज़्यादा रहता। ब्रिटिश कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज में पूरा यह प्रोसेस यूज करते। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इंडिया में कोई स्पेजरिक प्रोसेस से क्रीम बनाए बोल के, तो यूज तो करना पड़ता। अरे हाउ जी ये ज़बरदस्त है, तुम्हारे धब्बे वब्बे पूरे ख़त्म हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह भाई। क्या है डॉक्टर शुजा खान्स ब्यूटी एंड मेडिकेटेड क्रीम, इट्स ए ब्लेंड ऑफ 68 मेडिसिनल प्लांट। वाह क्या क्या चीज़ों से बनी से,
एलोवेरा विटामिन सी मिनरल ऑयल शेयर बटर टर्मरिक सैफ्रॉन एक्सट्रैक्ट सैंडलवुड ग्लिसरीन एक्वापर ओहो माशाल्लाह अच्छे खासे चीज़ें हैं अच्छा पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है ये नाइस अच्छा है सल्फेट नहीं है तो अच्छा अच्छा ना और दुनिया की बीमारियां और कहते चेहरे को लगाने से कैंसर की भी शिकायत है कहते उसमें मालूम जी सल्फेट से प्रॉब्लम होते स्किन प्रॉब्लम्स होते स्किन कैंसर भी हो सकता चांसेस है मगर ये क्रीम में वो सब नहीं है तो ये क्रीम सेफ है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता आपको और ये स्पेसिफिक प्रोसेस से बनी सो है इसका मतलब इसका रिजल्ट अच्छा आता कैसा यूज़ करना मालूम ना अरे ये भी बोलने की बात है यारो सीधा सीधा रात में गुनगुना पानी लेना चेहरा धो लेना उसके बाद ये क्रीम लगा के अच्छा मसाज कर लेना अब्जॉर्ब होए तगा पूरा जज्ब जाना स्किन के अंदर उसके बाद जो है सुबह सुबह उठ के आप ये गुनगुने पानी से धो लो आपका चेहरा साफ हुआ था इंशाल्लाह इससे पहले यूज़ करे क्या नहीं जी डॉक्टर शुदा खान के बारे में बहुत पढ़ा सो मैं उनके आर्टिकल पढ़ा उनके इंटरव्यूज देखा अरे साइंटिस्ट आदमी है जी वो पूरा रिसर्च करके काम करता आदमी हो तो उसने मैं पढ़ा सो मगर क्या है उनका एड्रेस नहीं मिला और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं मिले ना तो कब की खरीद लिया था मैं ये अरे एड्रेस यहीं छे ना जी ईदी बाजार बंजारेल चिलकुलगुड़ा तीनों जगहों पे क्लिनिक अवेलेबल है उनकी और तीनों उस पे डॉक्टर साहब बैठते हैं आके अच्छा अच्छा कॉन्टैक्ट डिटेल है अपने पास व्हाट्सअप कर देता हूँ मैं करो 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 भाई मैं ले लेता मेरे को मिल गया बता लेना भी है अगर आप लोगों की भी जो है सो ये हेयर ऑयल होना है और ये ब्यूटी क्रीम होना है तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पर डिटेल है आप जो है सो क्रीम ऑर्डर करके ले सकते हैं और अमेजन पे आप स्पेसिफिक या डॉक्टर शुजा खान बोल के सर्च करें तो भी आपको उनके सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं भैया ठहरो आप मैं पैसे ले लेकर आता हूँ क्या हुआ जी पॉकेट में 5,000 रुपए रखा था कहाँ है मेरे को क्या मालूम रे सही सही बोल रहे मैं तो ले दूं दी सही में जी हिंदुस्तान आजाद होकर 78 साल हो गए मगर मैं आज भी कैद हूँ किसमें तुम्हारे निकाह में तुम लोग मतलब शादी करके परेशान हो गया मैं जिंदगी बर्बाद हो गई शादी करके पिंडे में मिल गया मैं कहीं को ऐसा बोल रहे जी देखो वो 5,000 रुपए कहाँ है सही से बोल रहा हूँ तुम लोग चोटे हैं जी चोटों के खानदान से पाला पड़ गया चोर किसको बोले तो हाँ मैं तुम्हारे को बोली थी मैं सूट ऑर्डर करने वाली हूँ कर दी ये 5,000 हाँ क्या करते कर लो तुम